हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज किस तरह की एडिटिंग होने वाली है। तो गाइज ये एडिटिंग एंड ये फ़ोटो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रही थी, तो गाइज मैंने वहाँ से एक्सपायर हो गई है एडिटिंग बनाई है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, एंड आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटे के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस जितने बैकग्राउंड पीएनजी में यूज़ करूँगा सबका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इजीली वहाँ से जाकर डाउनलोड मार लेना। तो गाइस हम सीधा एड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड अपने बैग मॉडल को ऐड करेंगे गाइस में। तो यहाँ से पहले हम कर लेते हैं क्रॉप, एंड क्रॉप में जाकर गाइस हम इसको इतना क्रॉप कर लेंगे। ओके गाइस यहाँ से हम इसको कर देते हैं डन, एंड इसको हम इजीली बड़ा कर ले गाइस इस तरह से। ओके गाइस तो हम इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ लगा देंगे गाइस। ओके गाइस तो हम इसको यहाँ लगा देंगे एंड इसको कर लेंगे यहाँ। अब यहाँ से हमें डन नहीं करना गाइस, हम इफेक्ट में जाएंगे एंड इफेक्ट में सबसे पहले कलर हम आर्टिस्ट में जाएंगे सबसे पहले गाइस, एंड एम्बोस को क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इरेजर क्लिक करेंगे एंड इसको हम अपने स्क्रीन पर खाली इरेज करेंगे इसको। तो इरेज तो हम इसकी सेटिंग को गाइस इतना कर देते हैं इसके साइज को, एंड हम हल्का हल्का अपने हाथ पे से इस तरह से इरेज कर लेंगे। ओके गाइस इस तरह से हम इसको इरेज कर लेंगे एंड ये हमारा इरेज हो गया। हम इस तरह से हल्का हल्का इसको इरेज कर लेते हैं एंड ये हमारा सारा इरेज हो गया गाइस। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से हम कर देते हैं गाइस इसको डन, एंड यहाँ से हम जाएंगे से इसकी सेटिंग में गाइस, और यहाँ से हम इसको गाइस ओवरली कर देंगे एंड इसकी फेड को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे गाइस इस तरह से। ओके गाइस तो हम इस तरह से बढ़ा देते हैं। तो गाइस हम यहाँ से इसको डन कर देंगे एंड ये हमारा गाइस लग चुका है, और इसको यहाँ से हम अब डन कर देंगे। तो गाइस अब इसमें हम अपनी एक पीएनजी जो कि इंस्टा और सोशल की है उसको हम लगाएगा इस तरह से, ये ले लेंगे एंड इसको हम इस तरह से गाइस बड़ा कर लेंगे यहाँ रख के। ओके गाइस तो इसको हम इस तरह से लगा देंगे एंड अपने हाथों पे हाथों के बीच में रखना गाइस इस तरह से। तो हम देख लेंगे कि दफ़ा, तो गाइस ब्रोवर लग चुका है ये एंड। तो गाइस यहाँ से हम इसको अभी डन नहीं करने के गाइस, हम जाएंगे इफेक्ट में गाइस, हम इफेक्ट में जाएंगे यहाँ से कलर चूज करेंगे एंड कलर में हम तो लास्ट में जाएंगे। तो गाइस पहले हम यहाँ से इसको डन कर देते हैं। ओके गाइस तो सॉरी गाइस मैं भी कहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ से हम इसको पहले डन कर देते हैं एंड हमको ये इफेक्ट पूरा अपने फ़ोटो में डालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस इफेक्ट में जाएंगे, सॉरी गाइस, तो हम यहाँ से कलर चूज करेंगे एंड इसकी सबसे पहले सैचुरेशन देख लेंगे गाइस। तो हम यहाँ से इसको डन कर देंगे गाइस, यहाँ से पहले डन नहीं करना सॉरी गाइस, तो हम इरेजर पे जाएंगे एंड यहाँ से हम अपने हाथों से हल्का हल्का इस तरह से गाइस इरेज कर देंगे। ओके गाइस तो हम इस तरह से इसको इरेज कर देते हैं एंड गाइस हम यहाँ से कर लेंगे इसको डन। हम इसकी इसमें जाएंगे गाइस, इसके अमाउंट को हम थोड़ा सा इस तरह से गाइस बढ़ा लेंगे। ओके गाइस यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं एंड ये हमारा बहुत ऑसम लग रहा है गाइस, इसके देखो कलर भी बदल गया है। एंड गाइस अब हम जाएंगे यहाँ ब्यूटी में एंड अपने चेहरे को थोड़ा पहले स्मूथ कर लेंगे गाइस। तो हम फिक्स में जाएंगे एंड फिक्स को कर लेंगे थोड़ा सा कम, और गाइस हम जूम करेंगे इस तरह से और अपने चेहरे पे इस तरह से अपनी स्किन पे मार लेंगे गाइस, तो हमारा चेहरा जो डार्क होगा गाइस वो एकदम साफ हो जाएगा। तो गाइस ये हो गया एंड यहाँ से हम इसको कर देते हैं डन। तो गाइस अब जाएगा हम स्किन टोन में एंड इसके हम चूज कर लेंगे गाइस, तो इसको भी हम हल्का हल्का इस तरह से मार लेंगे
गाइस इसको हमें थोड़ा स्क्रीन भी देना था इस तरह से। एंड किधर जा रहा है भाई, ऊपर भी चला जा रहा है। तो गाइस हम उसकी स्क्रीन भी दे देंगे एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे गाइस गुड डन। ओके गाइस तो हम इसमें थोड़ा डिटेल डाल देंगे गाइस, डिटेल को फिल कर देंगे एंड हम इसको इस तरह से जूम करेंगे गाइस और हम अपने बालों में हल्का हल्का सा डिटेल दे देंगे गाइस। ओके गाइस तो आप भी इस तरह से इससे कि बाल चमक जाए एंड यहाँ से हम इसको डन कर लेंगे गाइस। तो गाइस ये डन हो गया है। तो गाइस अब हमको इसमें एक खाली PNG लगानी है गाइस, एक PNG जो कि मैंने बनाई है खुद पिक्सल लैब से बनाई है गाइस, यानी क्रिएटिव की। ओके गाइस तो इसको हम यहाँ नहीं लगा सकते गाइस, तो हम इसको यहाँ लगा लेंगे। ये थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं एंड इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा इस तरह से गाइस, और इसको हम इस तरह से लगा देंगे गाइस। ओके तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस तरह से एंड अब यहाँ से हम इसको डन कर देंगे गाइस। ये PNG मैंने पिक्सल लैब से बनाई है, आपको नहीं बनाने आती तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा गाइस। वैसे तो आपको आती होगी पिक्सल लैब इस्तेमाल करना। तो गाइस हम ड्रॉ टूल में जाएंगे एंड 3 डॉट पे क्लिक करेंगे गाइस और इसे सेव टू इमेज पे क्लिक कर लेंगे। अब गाइस हम इस पर कलर रेडिंग करेंगे तो उसके लिए हम अपना लाइटरूम बाबा खोल लेते हैं। तो हम गाइस लाइटरूम बाबा में जाएंगे, ये रहा हमारा। तो गाइस हमारा लाइटरूम बाबा में ओपन हो चुका है एंड इसमें हम थोड़ी हल्की हल्की कलर रेडिंग करेंगे जो कि बहुत मस्त होने वाली है। एंड इसके एक्सपोजर को हम हल्का सा गाइस माइनस कर देंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को हम हल्का सा बढ़ाएंगे गाइस इस तरह से एंड हाईलाइट को भी हम थोड़ा सा कम करेंगे, शेडो को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे गाइस इस तरह से एंड वाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अब ब्लैक को हम थोड़ा कम करेंगे। ओके गाइस तो थोड़ा थोड़ा मैनेज करना है, ज़्यादा नहीं। ओके गाइस तो कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और गाइस हम इसमें आ जाएंगे, इसमें जिससे हम मिक्स टूल में जाएंगे गाइस और यहाँ में और कुछ नहीं छेड़ना गाइस, इसके ऑरेंज कलर की लूमिना बढ़ा देनी है इस तरह से एंड सेचुएशन को थोड़ा सा हम इसमें माइनस देंगे। ओके गाइस तो फेस में हमारे ग्रो आ गया है एकदम बढ़िया वाला। ओ गाइस इसकी उसमें अब आ जाए इधर गाइस ग्रो ग्रो में एंड इसके हम थोड़ा सा माइनस की तरफ रखेंगे गाइस इस तरह से। ओके और इसकी सेचुएशन को भी हम हल्का सा बढ़ा देंगे एंड लूमिना को भी हल्का सा बढ़ा देंगे एंड यहाँ से कर देंगे हम डन। टेम्परेचर को हम यहाँ से गाइस कस्टम सेलेक्ट कर लेंगे, तो कस्टम सेलेक्ट करके हल्का सा टेम्परेचर माइनस की तरफ रखेंगे गाइस, टिंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड ब्रेवेशन को थोड़ा सा बढ़ाना है एंड सिचुएशन को हम अपने हिसाब से देख लेते हैं गाइस, सिचुएशन को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं एंड ब्रेवेशन को भी हल्का सा गाइस बढ़ा देते हैं। तो हम गाइस आ जाएंगे नेक्स्ट टूल में एंड क्रिएटिव हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा दहेज भी दे देंगे गाइस इसको एंड विग्नेट थोड़ा सा कम करेगा इस तरह से। ओके गाइस तो हम यहाँ से नेक्स्ट टूल में आ जाएंगे एंड इसकी शार्पनेस बढ़ा देंगे, नॉइस रिड्यूसिंग थोड़ा बढ़ाना है गाइस और थोड़ा सा कलर नॉइस बढ़ाना है। तो गाइस ये हो गया गाइस, थोड़ा सा हम इसे डिटेल दे देते हैं एंड स्मूथनेस बढ़ा देते हैं। तो गाइस हमारा बन गया फोटो तैयार हो चुका है एंड हमने इसमें हल्की हल्की कलर रेडिंग की। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ पहले कैसा था एंड अब हमने इसमें लाइटरूम बाबा से करेंट नहीं की तो कैसा बन गया। तो गाइस देखे पहले कुछ इस तरह का था एंड अब कुछ इस तरह का है। तो गाइस फोटो बहुत यूनिक और मस्त लग रहा है जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा था ये, तो मैंने वहाँ से ही एक्सपायर होकर बनाया है। और गाइस इसको हम ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एंड बहुत ही ऑसम लग रहा है गाइस ये और सब देखे गाइस इसकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं फटी है एंड हमारा लो बजट का फोटो था गाइस, लो एकदम वाला दो कैमरे से फिर भी इतना मस्त कर दिया गाइस हमने एंड इसमें हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे गाइस और हम सेव टू इमेज पे सेव टू ड्राइव पे क्लिक करके HD में सेव कर लेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।